जिन भी कर्मचारी साथियों ने महात्मा गांधी विद्यालय की जो परीक्षा आयोजित की गई थी 25 तारीख को वो दी है, उन सभी को नमस्कार प्रणाम। साथियों, जैसा कि वीडियो का टाइटल से आप समझ गए होंगे कि नए जो नियम हैं MGGS के वो आ गए हैं, और इसके अंदर जो टाइटल में ये भी लिखा है कि जो बाहरी जिलों के शिक्षक हैं उनका जो चयन है वो और भी मुश्किल हो गया है। तो साथियों, अपने सबसे पहले आप ये इस वीडियो को अपने चालू रखेंगे, सबसे पहले आप जो नया नियम है, जो अपने पुराने नियम है, जो गाइडलाइन जारी की गई थी पेपर से पहले, सबसे पहले आप उसको अपने एक पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर नौ। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के लिए विभाग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उक्त लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा कार्मिक द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उस जिले में चयन पब्लिक पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक दे होंगे। साथियों, आपने पॉइंट नंबर 9 देखा, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के बैठा हुआ हूं, आपको बताऊं। अब इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले अपने इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस नियम के बारे में, जो ये नियम है पॉइंट नंबर 9, इसके बारे में अपने आपने पढ़ लिया इस नियम को कि जो परीक्षा के अलावा जो 10% बोनस है वो अगर गरे जिले का जो अभ्यर्थी है अगर वो परीक्षा देता है और उसको परीक्षा को पास करता है, अगर उसको पदस्थापित किया जाता है तो 10% जो अंक हैं वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। अब साथियों सोचिए, ये तो वो बात हो गई ना कि जो आदमी पनीर के साथ रोटी खा रहा है, सरकार उसको कह रही है कि ले भैया मिठाई हम दे रहे हैं आपको, आप मिठाई भी खाइए, अकेली पनीर की रोटी से काम नहीं चलेगा, आपको मिठाई भी खानी पड़ेगी। ठीक है, आप ये देखिए भारतीय संविधान अपना क्या कहता है, जो नीति निदेशक तत्व है, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, वर्तमान में शारीरिक शिक्षक हूँ। तो भारतीय संविधान क्या कहता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या कहती है कि जो वंचित वर्ग है उसको लाभ दिया जा सकता है। यहाँ पर परीक्षा समान हो रही है सबकी, आप एक पॉइंट को समझिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है कि मतलब कोई दबेशता नहीं है जो गरे जिले में पदस्थापित कर रहे हैं और हम दूर जिले में नौकरी कर रहे हैं, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब सरकार ही दर्द पर नहीं समझ रही तो और दूसरा कौन समझ सकता है उस चीज़ को। तो देखिए, जो वंचित वर्ग है उसको फायदा दिया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो गरे जिले के अंदर नौकरी कर रहा है उसको परेशानी क्या हो रही है, और क्या परीक्षा समान रूप से लिए जाने के बावजूद किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ परीक्षा के अलावा दिया जा सकता है, यह भी सोचने का गंभीर विषय है। और किसी भी शिक्षक संगठन ने इसकी आवाज उठाई कि अगर फायदा आपको देना है तो जो बाहर जिले में बैठे हैं, जो बाहरी जिलों में बैठे हैं, उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, 10-10, 15-15 साल से वो अपने परिवार से दूर है, उनको फायदा दीजिए। अरे भैया क्यों उठाएंगे, संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो अपने गृह जिले में, गृह तहसील के अंदर लग रहे हैं, वो नहीं उठाएंगे आपकी आवाज को, और अपनी अगर आवाज उठानी है तो अपने को संगठित होना पड़ेगा। साथियों इतनी देर, अब ये प्रश्न उठेगा कई, क्योंकि ज्ञानी लोग बहुत हैं ना, वो कहेंगे कि आज ये बंदा इस आवाज को क्यों उठा रहा है, ठीक है, पहले क्यों नहीं उठाया। तो शारीरिक शिक्षक वर्ग में ये संदेह था कि पिछली बार जो है वो परीक्षा का आयोजन नहीं होना था, और इस बार शारीरिक शिक्षकों की भी परीक्षा का आयोजन किया गया था, शारीरिक शिक्षक इस परीक्षा का हिस्सा हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, सभी तृतीय श्रेणी जो शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, और जो हमारे LDC UDC जो भाई हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ इसके अंदर, सभी जो बाहरी जिलों के अंदर पदस्थापित हैं, सभी की बात मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, जो अपने गृह जिले से दूर हैं, दूर नौकरी कर रहे हैं, अभावों के अंदर जिंदगी दी रहे हैं, किस प्रकार के अभाव हैं, उसको चिंता रहती है कि मेरे को इतने बजे बस पकड़नी है, इतने बजे मेरे को वहां पहुंचना है, फलाने स्टैंड पर पहुंचूंगा तो बस मिलेगी, बस निकल जाएगी, और बस निकल भी जाती है, ठीक है, उसकी CL काम नहीं आ रही है, उसका मेडिकल काम नहीं आ रहा है, उसकी PL काम नहीं आ रही है, लेकिन सरकार किसको फायदा देना चाहती है, जो गृह जिले के अंदर बैठा है। क्यों भैया, आप तृतीय श्रेणी स्थानांतरण के लिए आपने बोला था 100 दिन के अंदर नीति बन जाएगी, कोई नीति नहीं बनी, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर फायदा देना है, मेरा मुख्यमंत्री जी से भी विनम्र निवेदन है, प्रधानमंत्री जी ने भी तबादलों की बात करी थी लेकिन नहीं हुए,
मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग अगर फायदा देना चाहते हैं तो उन वंचित वर्ग को दीजिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को, शारीरिक शिक्षकों को दीजिए, क्योंकि उनके लंबे समय से स्थानांतरण नहीं हुए, पिछली सरकार में पिछले 5 साल में बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हुए, और उससे पिछली सरकार में 2012 तक के ट्रांसफर हुए थे। हमारे जो 2012 की भर्ती के जो साथी बाहरी जिलों के अंदर पदस्थापित थे उनके भी स्थानांतरण नहीं हो पाए, ये सोचने का विषय है। और अपने को संगठित होकर के इस आवाज को उठाना पड़ेगा कि अगर फायदा दिया जाना है, 10% बोनस दिया जाना है, तो ये बाहरी जिले के लोगों को दिया जाए, नहीं तो परीक्षा आपने समान रूप से दी है और आप गृह जिले के अंदर पदस्थापित व्यक्ति को आप 10% अंकों का फायदा दे रहे हैं। ठीक है, ये बाहरी जिले वाले जो साथी हैं उनके साथ दोहरा अन्याय है, दोहरा अन्याय। ठीक है साथियों, एक शर्त इसके अंदर और थी जो माननीय कोर्ट द्वारा चेंज हुई कि जो पहले से पदस्थापित शिक्षक हैं वो उनको परीक्षा देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन निदेशालय द्वारा उनके ऑफलाइन फॉर्म भरवाए गए हैं, उनकी परीक्षा का आयोजन हुआ है। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा। अब अपने को मिलकर के सबसे पहले तो इस पॉइंट को संशोधन करवाना है कि अगर आपने परीक्षा समान रूप से दी है तो अतिरिक्त अंक क्यों, क्योंकि वो अपनी जितनी भी अंतर्निहित क्षमताओं का प्रयोग करके विपरीत परिस्थितियों में रह करके जो आदमी मतलब परीक्षा दे रहा है उसको तो फायदा मिल नहीं रहा, फायदे की बजाय उसको नुकसान का सामना और करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका और जैसा वीडियो का टाइटल है कि एक भी जना नहीं लगेगा, जो बाहरी जिलों में पदस्थापित है ना, एक का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला आप सुन लीजिए, क्योंकि आपके नंबर मान लीजिए 50 आए और आपके जो दूसरा जो आपका कॉम्पिटेटर है जो अपने ही जिले में बैठा है, ठीक है, उसने पेपर खाने से पहले उसकी धर्मपत्नी जी ने उसको दही भी खिलाई होगी, ठीक है, सारे शुभ काम किए होंगे, उसको पढ़ाई के लिए टाइम भी मिला है, ठीक है। लेकिन जो बाहरी जिलों में पदस्थापित शिक्षक है ना, जो बेचारा अभावों में जिंदगी जी रहा है, उसको अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, रोटी कैसे बनानी है, रोटी कैसे बनेगी, और हमारे ऐसे जो शिक्षक साथी हैं जो बाहर रह रहे हैं, अभाव में रह रहे हैं, सब कुछ होते हुए अभाव में रह रहे हैं, ठीक है, अकेला आदमी है, क्या रोटी बनाएगा, कभी भूखे सो जाते हैं उनकी। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है, सरकार को चिंता किसकी है, जो गृह जिले में पदस्थापित है, क्योंकि जो माहौल बनाएगा, जो वोट बनेंगे वहां से बनेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर साथियों निश्चित रूप से इसके अंदर संशोधन होना चाहिए, ये पॉइंट संशोधन योग्य है और इसके अंदर संशोधन होना चाहिए। अब देखिए साथियों, अपने पिछली बार सरकार ने अपने स्थानांतरण किए नहीं, ठीक है, और जो स्थानांतरण हुए थे अपने वो 2012 तक के, 2012 वाली भर्ती को भी उसका जो फायदा है वो नहीं मिल पाया था। अब अपने बात कर लेते हैं, अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति भी नहीं हो रही और स्थानांतरण के लिए कोई पॉलिसी भी नहीं बनी है, इसलिए साथियों अपने को एकता दिखाते हुए, ठीक है, वैसे हम मेरे बहुत सारे जो साथी हैं वो कहते हैं, साथियों एक आपसे बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये चैनल आपकी समस्याओं के लिए बनाया गया है, कर्मचारियों की समस्याओं के लिए बनाया गया है, अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो देखिए, कई लोग सोचते हैं कि ये यूट्यूब से कमाई करते होंगे, ये है यूट्यूब पर कमाई करने के लिए बहुत सारे कंटेंट हैं, बनाने के लिए बहुत सारे कंटेंट हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पैसा आता है, इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बच्चों का कंटेंट है, कार्टून वीडियोज हैं, लेकिन इसका इस चैनल का जो नाम है वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रखा गया है, इस उद्देश्य के साथ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमारी बातों को उठाता नहीं है, तो अपने कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी माध्यम के से अपनी आवाज़ को एक संकित रूप से रख सकें, और जो भी साथी विचार रखना चाहते हैं, कोई अच्छे विचार रखना चाहते हैं, कोई वीडियो बना करके, मैं उनकी भी वो वीडियो मेरे पास भेजें, मैं उनकी भी वीडियो जो है वो पोस्ट करूँगा इस चैनल के माध्यम से, अगर अच्छे विचार होंगे, सहारनीय विचार होंगे तो। लेकिन साथियों अपने को ये एक बात सोचनी पड़ेगी कि अपना जब तक अन्याय होता रहेगा, जब तक अपने सहते रहेंगे, जब अपने सहना बंद कर देंगे, जब अन्याय होना भी बंद हो जाएगा। तो साथियों आपसे निवेदन यही है कि जो साथियों की परीक्षा हो चुकी है तो जैसे ही अपने ये प्रक्रिया हो जाती है, आप अपनी पूरी जानकारी जुटाते रहें, और जानकारी जुटाने के बाद अपने को पहले तो सरकारी स्तर पर निदेशालय में, सचिवालय में,
अपने मांग को रखना है कि ये समानता का जो अधिकार है अगर इसके अंदर फायदा दिया जाना है तो वंचित वर्ग को दिया जाए, ये बात रखनी है। और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है अपने पास कोर्ट का ऑप्शन भी खुला हुआ है, क्योंकि समानता का जो अधिकार है वो सबको है। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये साथियों आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। अगर इसके अंदर भी आपका आत्मसम्मान नहीं जागा तो साथियों मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। सभी साथियों को नमस्कार।